दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ राघवेंद्र, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट ASMC बहराइच। सो दोस्तों, ये वीडियो है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि MBBS फर्स्ट प्रॉफ में मैं कौन सी बुक्स परस्यू कर रहा हूँ अपनी स्टडीज के लिए, और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं MBBS फर्स्ट ईयर में। क्योंकि अभी जो नीट एस्पायरेंट्स हैं उनके पेपर्स आने वाले हैं, तो वो जरूर सोचेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, या फिर फर्स्ट ईयर में कैसा होगा माहौल, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उसके लिए है वीडियो, और बाकी हमारे जो दोस्त हैं जो MBBS कर रहे हैं उनके लिए भी है, फॉर नॉलेज पर्पस। तो फर्स्ट प्रॉफ में मेनली तीन सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम प्री क्लिनिकल कहते हैं। द थ्री सब्जेक्ट्स आर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तीनों सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बट जो मुझे पर्सनली लगता है एनाटॉमी सबसे टफ होता है, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी बुक मैं परस्यू कर रहा हूँ, और मोस्टली इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में यही बुक्स लोग पढ़ते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, और हमारे प्रोफेसर सर वगैरह भी यही बुक्स प्रेफर करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं एनाटॉमी की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन इंडिया में चल रही है, हम लोग जो पढ़ते हैं इंडियन ऑथर्स और फॉरेन ऑथर्स या साउथ एशिया एडिशन, मेनली तीन होता है। तो उसमें मैं कौन सी बुक्स पढ़ रहा हूँ एनाटॉमी के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो मैं इस समय परस्यू कर रहा हूँ, दिस इज BD चौरसिया सर की है। इसके चार वॉल्यूम हैं एंड वन जनरल एनाटॉमी है, तो चारों हैं, जिसमें से अपर लिम एंड थोरेक्स फर्स्ट वॉल्यूम में है, जिसमें हम अपर लिम और थोरेक्स का रीजन पढ़ते हैं। एंड इन द सेकेंड वॉल्यूम वी हैव लोअर लिम एंड एब्डोमेन, और थर्ड वॉल्यूम की बात करें हेड एंड नेक। इस समय कोविड है और हम लोगों का हेड एंड नेक कम्प्लीट हुआ है अभी जस्ट ऑनलाइन मोड में, कोविड की वजह से हम लोग घर में हैं। तो एंड द फोर्थ वन इज ब्रेन एंड न्यूरो एनाटॉमी। सो द BDC इज डिवाइडेड इनटू दीज फोर वॉल्यूम्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट इज लाइक लाइफ टू अस। और इसके अलावा है जनरल एनाटॉमी व्हिच इज वेरी स्मॉल बुक बट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में यही पढ़ा जाता है, जब हम लोग कॉलेज गए तो सबसे पहले यही बुक खत्म हुई। इसके अलावा विश्राम सिंह की एक बुक आती है जो कि रीडिंग पर्पस के हिसाब से, इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से है, थोड़ी सी BDC से इसकी लैंग्वेज काफ़ी आसान है, बट मैं प्रेफर करता हूँ BDC, इसको नहीं प्रेफर करता। मेरे पास बुक है बट आई एम प्रेफरिंग BDC। इसके अलावा ये दोनों इंडियन ऑथर्स की हैं। फॉरेन ऑथर्स में मैं बुक जो अभी देख रहा हूँ, अभी पढ़ता हूँ थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, ये है ग्रेज एनाटॉमी, वो भी साउथ एशिया एडिशन। इंटरनेशनल एडिशन अलग होता है और साउथ एशिया एडिशन अलग। तो मेरे पास साउथ एशिया एडिशन है, इसके दो वॉल्यूम हैं, दोनों वॉल्यूम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट इसको मैं कम पढ़ता हूँ, बट पढ़ता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होती है, और पेपर पर्पस के लिए BDC। अगर BDC नहीं समझ में आती है तो मेरे काफ़ी दोस्त विश्राम सिंह भी प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा एक आती है हम लोग को डायग्रामेटिक हेल्प के लिए, एटलस आती है जिसमें सारे डायग्राम बने होते हैं, आई वुड लाइक टू शो समथिंग ऑफ देम, जिसमें से जैसे ये हो गया इस तरीके से, आई विल शेयर सम पिक्चर्स ऑफ इट इन माय वीडियो अलोंग विद द वीडियो। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, काफ़ी अपने को स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, कैलवेरिया वगैरह और स्कल वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, लोअर लिम में भी इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रक्चर्स काफ़ी आसानी से याद हो जाते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी इतनी है, इसके अलावा भी बुक्स हैं जैसे एम्ब्रायोलॉजी, मैं पढ़ रहा हूँ इस समय विश्राम सिंह की एम्ब्रायोलॉजी है, एंड ह्यूमन हिस्टोलॉजी है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंद्रवीर सिंह की है। तो ये दोनों बुक्स भी हैं, इसके अलावा ऑस्टियोलॉजी की भी एक बुक है। तो ओवरऑल एनाटॉमी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी बुक्स हैं, और हैं भी, इसका कोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है, और हम लोग 11th-12th में उतना नहीं पढ़े होते हैं बेसिक जो MBBS के फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस समय गाइटन एंड हॉल की बुक, साउथ एशिया एडिशन है, इसकी भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। AK जैन है जो कि मेरे पास ये बुक भी है, इट हैज़ वेरी इजी लैंग्वेज एज एन इंडियन ऑथर, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए गाइटन इज बेस्ट। तो मैं गाइटन पढ़ रहा हूँ आजकल, AK जैन है, सैमुलिंगम इज ऑल्सो देयर। सैमुलिंगम को मेनली हम लोग बोलते हैं पेपर से पहले पढ़ने का मतलब उसको पढ़ के हम पेपर में पास हो सकते हैं, बट इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट देन यू नीड टू स्टडी गाइटन एंड हॉल बुक,
दिस इज वेरी स्वीट बुक मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग तरीके से लिखता है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं अरविंद अरोड़ा की बुक प्रेफर करता हूँ, और अभी तो स्टार्ट हुआ है हम लोगों का MBBS, बट आई एम प्रेफरिंग दोज बुक्स ऑल्सो फॉर द PG प्रिपरेशन, उतना ही पढ़ता हूँ, बट यस आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दैट बुक। उसके अलावा मैं बात करूँगा कि फिजोलॉजी एनाटॉमी आर वेरी वेरी बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग सब्जेक्ट्स हैं हमारे पूरे 5 साल के लिए, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री आई एम प्रेफरिंग राइट नाउ इज द वासुदेवन सर बुक, विच इज़ वेरी गुड इन रीडिंग एंड वेरी इजी लैंग्वेज है इसमें। इसके अलावा लिपिन कॉट है, हार्पर काफ़ी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है और काफ़ी टफ लैंग्वेज है, जैसे ग्रेज में टफ लैंग्वेज है उसी तरह हार्पर में भी टफ लैंग्वेज है, बट मेरे पास इस समय नहीं है, हॉस्टल में रखी हुई है और हम लोग घर पे हैं तो हॉस्टल आपको दिखा नहीं सकता, बट इट ऑल्सो हैज़ दैट करिश्मा कि आपको इंटरेस्ट बन जाएगा अगर आप MBBS में पढ़ाई कर रहे हो। और एनाटॉमी सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ इसमें कैडेवर वगैरह जब हम लोग काटते हैं तो हम लोग मदद लेते हैं डायग्राम्स के लिए, तो उन सब के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स हैं एनाटॉमी के लिए। और एटलस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अगर हमको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, अगर हमको देखना है कि कौन से स्ट्रक्चर में क्या क्या है, अगर ब्रेन का देखना है, अपर लिम का, लोअर लिम का, हर जगह का, तो दिस बुक हेल्प्स मी अ लॉट। इसके अलावा कॉन्सेप्ट में ग्रेज एनाटॉमी है। सो दोस्तों ये बुक्स हैं हमारे फर्स्ट ईयर प्रॉफ के लिए जो हम लोग इस समय परस्यू कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी कोविड का टाइम है तो हम लोग घर में हैं, घर में रह के पढ़ना उतना मज़ा नहीं आता कॉलेज में जो मज़ा है, बट ऑनलाइन मोड से पढ़ाई हो रही है। ये सारी बुक्स हैं जो मैं लेके आया था पढ़ने के लिए अपने साथ हॉस्टल से, और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। इफ यू आर इन द MBBS फर्स्ट प्रॉफ, यस इट हैज़ मोर प्रेशर, बट मज़ा आती है ये सारी बुक्स को पढ़ के, अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर जानने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। लास्ट में मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको इन सारी ऐसी वीडियोस चाहिए और नीट की प्रिपरेशन की टिप्स के लिए वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।